पता हो, वो सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम जानेंगे यहाँ पे लोगों से कि क्या कुछ कहेंगे। वैसे तो मैं बताती चलूँ कि शिवो सरेन जो है अब 79 ईयर ओल्ड उनका एज हो चुका है, वही हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अब 80 साल के जो है शिवो सरेन हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे, इसमें क्या कुछ खास? देखिए, सबसे पहले तो उनका आज 79वीं 79 जन्मदिन पे रातों प्रखंड समिति की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और ये ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि उनका हमेशा आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। और झारखंड की लड़ाई, बहुत जद्दोजहद लड़ाई लड़ने के बाद ये झारखंड अलग कर आए, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, और साल के भांति हमेशा उनका जन्मदिन इसी तरह से धूमधाम से हम लोग मनाते रहे। क्या कुछ कहेंगे, काफी हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है। जी, ऐसा है कि सिर्फ झारखंड महोत्सव मोर्चा का जो है वो काज काटता ही नहीं, आज पूरा झारखंड जो है हमारे माननीय गुरुजी जो झारखंड राज्य के निर्माता कह लीजिए, जो अपने आंदोलन से आज झारखंड राज्य को जो है अलग करने के इन्होंने काम किया, आज हम लोग पूरे झारखंड के लोग बहुत ही खुश हैं। और उससे ज़्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो गरीब लोग के स्तर तक जो है वो पहुँचने काम कर रहे हैं डोर टू डोर, आज हम सभी झारखंडवासी जो है बहुत खुश हैं। और इसी खुशी में आज सिर्फ यहाँ नहीं, उनके आवास पे ही नहीं, पूरे झारखंड में हम लोग जो है हर जगह पे हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि हर्षोल्लास के साथ जो है उनका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, और चूँकि हमारे साथ अंतु तिर्की जी भी मौजूद है, हम अंतु तिर्की जी से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। काफी हर्षोल्लास के साथ शिवो सरेन जी का आज 79वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, आज गुरु जी का 79वां जन्म दिवस है, और इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता लोग, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर उनको बधाई देने, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, और बहुत खुश हैं सभी लोग। यहाँ ढाक ढोल के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ भव्य रूप से सजाया गया है, और 79 पौंड का केक भी बनाया गया है, जो केक अभी गुरु जी के द्वारा काटा जाएगा। और वो केक काटने के बाद हम लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग अभी जाएंगे और सैकड़ों गरीबों के बीच में कंबल वितरण करने का काम करेंगे, कंबल भी बांटेंगे, और हम लोग यहाँ पर जुटे हैं, और सभी लोग हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु जी का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, वो दीर्घायु हो, इस बातों को लेकर हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और यही इसी के लिए हम लोग सैकड़ों लोग यहाँ पर जुटे हैं। गुरुजी एक ऐसा नाम है, गुरुजी झारखंड के ऐसा धरोहर हैं, गुरुजी के नाम पर ही झारखंड है। गुरुजी के 40-50 साल के जो प्रयास और उनका आंदोलन, उनका जो पूरा समय जो आंदोलन किए, उसी का परिणाम है कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य बना, और उसी अलग राज्य झारखंड में आज हम लोग रहते हैं और झारखंडी कहलाते हैं। इसीलिए गुरुजी यहाँ के जन नेता हैं, गुरुजी यहाँ के धरोहर हैं, गुरुजी का झारखंड और गुरुजी एक दूसरे का ये पहलू है, इसीलिए गुरुजी है तो झारखंड है, झारखंड है तो गुरुजी है। तो जैसा कि आपने सुना कि गुरुजी का जन्मदिवस किस तरह मनाया जा रहा है, पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है, सब तरफ जो है लोगों में खुशियां देखने को मिल रही है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। गुरुजी रह चुके हैं झारखंड के, आप अच्छा धनबाद से आए हैं, आप उनका जन्मदिवस मनाने के लिए कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना आज वो 79 साल के हो गए, 79 साल के आज हो चुके हैं वो, बहुत खुशी की बात है। क्या कुछ कामना करते हैं उनके है? क्या कुछ कामना करते और आगे जीवित रहें, जीवित रहें, खुशहाल रहें। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि धनबाद से भी लोग व्यक्ति जो आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए, और उनका कहना है कि केक काटने के बाद जो है लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच जो है कंबल वितरण का जो है काम किया जाएगा। वैसे तो यहाँ पे नेत्र मंत्रियों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक यहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं और केक कब तक काटा जाता है। हालाँकि यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ ये जो है जन्मदिवस मनाया जा रहा है। GN भारत, नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।